आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित ODOP सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 9 जनपदों के सामान्य सुविधा केंद्र का शिलान्यास तथा ई सेवा पोर्टल पर योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया का किया शुभारंभ। वितरित किया 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2,505,58,00,000 रुपए का ऋण। योजना के लाभार्थियों से की बात, लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए 2 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप, मिक्सर, 3 गैस सिलेंडर, 2 टीवी, 10 मोबाइल, 1 हीटर, 3 साड़ी व 1 सूट, 1.25 किलो चांदी, 140 ग्राम सोना और 1,400 रुपए नकदी। SSP ने किया सनसनीखेज खुलासा। कोविड टीकाकरण अभियान में बुधवार को जिला अस्पताल सहित कुल 108 केंद्रों पर 25,544 लोगों ने कराया कोविड का टीकाकरण। CMO ने कहा, उत्साह के साथ लगवाएं टीका जीत का। नगर निगम के मनोनीत पार्षदों के साथ नगर आयुक्त ने की बैठक। साफ सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। कहा, गोलघर का हजरतगंज की तर्ज पर किया जाएगा सुंदरीकरण। पैसा दुगना करने के नाम पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देशी तमंचा, 1 कारतूस, 37,500 रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत जिले के दक्षिणी क्षेत्र में अवैध तमंचे के साथ 7 अभियुक्तों की जा चुकी है गिरफ्तारी। SP साउथ ने दी जानकारी। कहा, तमंचे के सोर्स का भी लगाया जा रहा है पता, आगे भी जारी रहेगा अभियान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा, महानगर में जलभराव से मुक्ति के लिए कटिबद्ध है नगर निगम। शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलाया जा रहा है विशेष नाला सफाई अभियान। गोरखपुर में बुधवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,254। अब तक 841 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 97 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पुलिस लाइन में जर्जर हो चुके भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाने के लिए SSP ने किया जर्जर भवनों का निरीक्षण। कहा, प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा शासन को जिससे बनाया जा सके नया भवन। एम्स में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने किया निरीक्षण। व्यवस्था से दिखे संतुष्ट, लोगों से की अपील। कहा, वैक्सीनेशन के लिए आए आगे, कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद रात्रि 9 बजे से प्रभावी हुआ कोरोना नाइट कर्फ्यू। सड़कों पर देखने को मिला नाइट कर्फ्यू का आंशिक असर। SPCT ने कहा, 28 स्थानों पर बैरिकेटिंग कर कराया जा रहा है नाइट कर्फ्यू का पालन। और बादलों की लुका छिपी के बीच हुई जोरदार बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा साफ।